छुड़ाए वाला मन। यहोशू के मरे के बाद इजरायली मन हर परमेश्वर के आज्ञा नी मानिन, ओ मन हर परमेश्वर के नियम मन के पालन नी करिन और ओ मन हर उ प्रतिज्ञा के देश ले बाँचे रहिन, कनानी मल्ला बाहर नी निकारिन। इजरायली मन हर अपन सच्चा परमेश्वर यहोवा ला छोड़ के कनानी मन के देवता मन के आराधना करे बर शुरू कर दिन। इजरायली मंठी कोनो राजा नी रहिस, इकर बर जोन ला जोन ठीक लागत रहिस ओहर ओच करत रहिस। परमेश्वर के आज्ञा ला नी माने के द्वारा इजरायली मन हर एक ठन नियम ला शुरू कर दिन, जोन ला कई घा दोहराए गए रहिस। ई नियम ऐसने प्रकार ले चलिस, कुछ बछर मन तक इजरायली परमेश्वर के आज्ञा नी मानत रहिन, तब परमेश्वर ओमन ला ओमन के बैरी मन ले हराए के द्वारा ओमन ला दंड देत रहिस। ई बैरी इजरायली मन ले ओमन के चीज मन ला लूट लेत रहिन, ओमन के संपत्ति ला बर्बाद कर देत रहिन और ओमा ले बनेच मन ला मार डारत रहिन। फेन जब इजरायली मन के बैरी ओमन के ऊपर कई बछर मन तक ले अत्याचार करत रहिन, ओकर बाद इजरायली मन अपन पाप मन के पश्चाताप करत रहिन और परमेश्वर ले ओ मल्ला बचाए बर प्रार्थना करत रहिन। हर घा जब इजरायली पश्चाताप करत रहिन तब परमेश्वर ओ मल्ला बचात रहिस, ओहर एक जन छुड़ाई वाला के द्वारा ऐसने करत रहिस। एक जन ऐसने मन से जोन ओ मन के बैरी मन के विरोध मा लड़त रहिस और ओ मल्ला हराए करत रहिस, तब देश मा शांति होत रहिस और उ बचाए वाला ओमन के ऊपर बढ़िया रीति ले राज करत रहिस। परमेश्वर हर उ मन से मल्ला बचाए बर बनेच ले छुड़ाए वाला मल्ला भेजिस। परमेश्वर हर लखठा के एक ठन बैरी जाति मिद्यानी मन के द्वारा इजरायली मल्ला पराजित करवाए के द्वारा फेन ले ऐसने करिस। मिद्यानी मन हर 7 बछर मन तक इजरायली मन के फसल मल्ला लूट लीन, इजरायली मन बनेच डर गे रहिन और ओमन गुफा मन मा छिप जात रहिन ताकि मिद्यानी मन से ओमन ला खोजे नी पाहिं। आखिर मा ओमन ला बचाए बर ओमन हर परमेश्वर ला नरियाइन। गिदोन नाम के एक जन इजरायली मन से रहिस, एक दिन उ एक ठन गुप्त जगह मा गेहूं झारत रहिस ताकि मिद्यानी मन से ओला चुरा नी सके। यहोवा के सरक दूत हर गिदोन ठी आके ओकर ले कहिस, हे सुरवीर सुरमा, परमेश्वर तोर संग हे, जा और इजरायली मन ला मिद्यानी मन ले बचा। गिदोन के पिता ठी मूर्ति ला समर्पित एक ठन बेदी रहिस, सबले आघु गोइठ जोन परमेश्वर हर गिदोन ला करे बर कहिस ओहर उ बेदी ला टोरे बर रहिस, लेकिन गिदोन मनसे मन ले डरत रहिस। इकर बर ओहर रात होय के इंतजार करिस, तहां ओहर उ बेदी ला टोर के कुटी कुटी कर दिस। ओहर परमेश्वर बर एक ठन नवा बेदी ला बनाइस और ओमा परमेश्वर बर बलि चढ़ाइस। दूसर बिहान मनसे मन देखिन कि कोनो हर बेदी ला टोर के कुटी कुटी कर दिस हे, इकर बर ओमन बनेच रिसा होइन, ओमन गिदोन ला मार डारे बर ओकर घर गिन। लेकिन गिदोन के पिता हर कहिस, तुमन का बर अपन देवता के सहायता करे के कोशिश करत हो, अगर ओहर देवता है तो ओला अपन सुरक्षा स्वयं करे द, काबर कि ओहर ऐसने कहिस। इकर बर मनसे मन गिदोन ला नी मारिन। तहां इजरायली मन ला लूटे बर मिद्यानी मनसे मन हेल ले आइन, ओमन अतकी झन रहिन कि ओमन के गिनती घोले नी करे जा सकत रहिस। गिदोन हर ओमन के विरोध मा लड़े बर इजरायली मन ला एक संग बलाइस। गिदोन हर परमेश्वर ले 2 ठन चिन्ह मन के मांग करिस ताकि ओहर पता चल जाही कि परमेश्वर सच मा ओला इजराइल ला बचाए बर कहत हे। पहला चिन्ह बर गिदोन हर भेड़ के ऊन ला भुइयां मा राख के परमेश्वर ले कहिस कि बिहान के ओस केवल भेड़ के ऊन मा गिरे और भुइयां मा नी गिरे। परमेश्वर हर ऐसनेच करिस। आही रात ओहर परमेश्वर ला कहिस कि भुइयां हर गीला हो जाए लेकिन भेड़ के ऊन सूखा रहे। परमेश्वर हर ऐसने घोले करिस। ई 2 ठन चिन्ह के खातिर गिदोन हर विश्वास करिस कि परमेश्वर सच में चाहत है कि उ इजरायली मल्ला
मिद्यानी मल्ले बचाही। कहाँ गिदोन हर सैनिक मल्ला अपन ठी 32,000 पुरुष आइन, लेकिन परमेश्वर हर ओकर ले कहिस कि ई बनेच ज्यादा हैं। इकर बर गिदोन हर उस सब 22,000 ला घर वापस भेज दिस जोन मन लड़े ले डरत रहिन। परमेश्वर हर गिदोन ले कहिस कि ई पुरुष अभी घोले बनेच ज्यादा हैं। इकर बर गिदोन हर 300 सैनिक मल्ला छोड़ के उस सब ला घर भेज दिस। उ रात परमेश्वर हर गिदोन ले कहिस मिद्यानी मन के डेरा मा जा और ओ मल्ला गोठियात सुन। जब ते सुनबे कि ओमन का गोइट मन करत हैं त ते ओकर ऊपर हमला करेले नी डरबे। इकर बर उ रात गिदोन हर तरी ओमन के डेरा मागीस और ओहर एक जन मिद्यानी सैनिक ला अपन मित्र ला उ गोइट ला बतात सुनिस जोन ओहर सपना मा देखे रहिस। उ पुरुष के मित्र हर कहिस इस सपना के अर्थ है कि गिदोन के सेना हमन मिद्यानी सेना ला हरा दिही। जब गिदोन हर ई सुनिस तो ओहर परमेश्वर के महिमा करिस। तहां गिदोन अपन सैनिक मंठी लौटिस और ओमन ले सबला एक एक ठन नरसिंघा, एक ठन माटी के बर्तन और एक ठन मसाल दिस। ओमन हर उ डेरा ला घेर लीन जोन करा मिद्यानी सैनिक मन सुतत रहिन। गिदोन के 300 सैनिक मन अपन मसाल मन ला बर्तन मन ले लुकाए रहिन। इकर बर मिद्यानी मन से उ मसाल मन के प्रकाश ला नी देख पाइन। तहां गिदोन के सब सैनिक मन अपन बर्तन ला एकेच समय मा टोर के अचानक ले मसाल मन के आगी ला प्रगट कर दिन। ओ मन हर अपन नरसिंघा मन फूकिन और नरियाइन यहोवा के और गिदोन के तलवार। परमेश्वर हर मिद्यानी मन ला घबरा दिस। इकर बर ओमन एक दूसर ला मारे काटे लागिन। तुरतेच गिदोन हर संदेश वाहक मल्ला बनेच ले आने इजरायली मल्ला मिद्यानी मन के पीछा करेमा ओमन के सहायता करे बर बलाए भेजिस। ओमन हर ओमन ले बनेच मल्ला मार डारिन और बाकी मल्ला पीछा करके ओमल्ला इजरायल देश ले बाहर निकाल दिन। उ दिन 120,000 मिद्यानी मारे गिन। ऐसने प्रकार ले परमेश्वर हर इजरायली मल्ला बचाइस। ओमन गिदोन ला अपन राजा बनाए बर चाहत रहिन, लेकिन गिदोन हर ओमन ला ऐसने नी करे दिस। लेकिन ओहर ओमन ले उ सोना के आभूषण मांगिस जोन ओमन ले सब मिद्यानी मन ले लूट ले रहिन। उ मनसे मन हर बड़े मात्रा मा गिदोन ला सोना दिन। तहां गिदोन हर उ सोना ले एक ठन विशेष कपड़ा बनाइस जैसन के बड़े पुरोहित मन पिंधत रहिन, लेकिन मनसे मन ओकर आराधना करे बर शुरू कर दिन जैसन कि उ एक ठन मूर्ति है। तहां परमेश्वर हर फेन ले इजरायली मल्ला दंड दिस काबर कि ओमन मूर्ति के आराधना करे रहिन। परमेश्वर हर ओमन के बैरी मल्ला पराजित करे मा सक्षम करिस। आखिर मा ओमन हर फेन ले परमेश्वर ले सहायता करे बर प्रार्थना करिन और परमेश्वर हर ओमन ठी ओमल्ला बचाए बर एक झन आने छुड़ाए वाला ला भेजिस। ई गोइट बनेज घा घटित होइस। इजरायली मन से पाप करिही, परमेश्वर ओमल्ला दंड दिही, ओमन पश्चाताप करिही और परमेश्वर ओमल्ला छुड़ाए बर कोनो ला भेजिही। कई बछर मन तक परमेश्वर हर बनेच ले छुड़ाए वाला मल्ला भेजिस जोन मन इजरायली मल्ला ओमन के शत्रु मन ले बचाइन। आखिर मा उ मनसे मन आने देश मन के जैसन परमेश्वर ले अपन बर एक झन राजा के मांग करिन। ओमन एक झन ऐसने राजा चाहत रहिन जोन लंबा और शक्तिशाली हो और जोन लड़ाई मा ओमन के अगुवाई कर सके। परमेश्वर ला उ बिनती हर पसंद नहीं आईस, लेकिन ओहर ओमन ला उसनेच राजा दिस जैसने ओमन मांग करे रहिन। न्यायियों अध्याय 1:3-6-8, पहला समुएल 1:10 तक बाइबिल के एक ठन कथा।